लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में देश की कई पार्टियों का कार्यक्रम में शामिल ना होने भी सुर्खियों की खबर है। इसी कड़ी में 10 जनवरी बुधवार को कांग्रेस ने एक ऐलान किया कि उनका कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा और कांग्रेस के इस फैसले पर पार्टी के कई नेताओं ने असहमति जताई। नमस्कार, मैं उमेश कुमार हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार राम लला प्राण प्रतिष्ठा कांग्रेस के शामिल ना होने पर नेता में बंटवारा देखने को मिल रहा है। जहां पे लोग कांग्रेस में शामिल ना होने की बात जब से बयान जारी हुआ, कई पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन के कई नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं जो आपस में बंटवारे की संकेत दे रहे हैं। आपको मुख्य रूप से बताऊं तो कृष्णम कहते हैं कि राम अयोध्या से लड़ाई नहीं, गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वहीं कहते हैं कि ये गलत फैसला, और कई ऐसी टिप्पणियां सामने आई। आपको बता दूं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं है, हमारी लड़ाई राम या अयोध्या से नहीं है, बीजेपी से। कहना भी सही है, यानी उनका कहना है कि इस मुद्दे पर, रामलला की इस बात पे या अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कांग्रेस को वामपंथी रास्ते पर ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग कांग्रेस को वामपंथी रास्ते पर ले जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व को अयोध्या न जाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये बातें कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राम किसी के पार्टी नहीं है, हमारी लड़ाई राम या अयोध्या से नहीं, बीजेपी से। वहीं गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढ़वाड़िया ने भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पार्टी के शामिल नहीं होने को गलत ठहराया। कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन समेत कई कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो। ये बातें कांग्रेस की तरफ से आई है, लेकिन ये भाजपा और आरएसएस, उनका ये कहना कि भाजपा और आरएसएस का प्रोग्राम, कांग्रेस ये कह रही है कि ये रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भाजपा और आरएसएस का प्रोग्राम है। और अब तक INDIA की 5 पार्टियां कांग्रेस, सपा, TMC, CPIM और शिवसेना उद्धव गुट प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर चुकी है। ये अब तक की खबर है। वहीं इन दो कांग्रेस के नेताओं का इस पर, उनके इस नजरिए को, उनके इस टिप्पणी को गलत बताने के ऊपर एक राजनीति अलग तरीके से एक चर्चा का विषय बन गया। अब अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी है। और इससे पहले खबरें ये भी आ रही थी कि आडवाणी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए वे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। पर आपको बता दूं वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, अब तक मीडिया खबरों से ये खबर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने 19 दिसंबर को दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया और आडवाणी और जोशी ने कहा कि वे समारोह में आने का पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश कहा है उन्होंने, यानी कि अगर तबियत सेहत सही रहा तो वो जरूर आएंगे। आगवा दो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 18 दिसंबर को लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आग्रह किया था कि वे जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या न आए। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, यहाँ ठंड भी ज्यादा है, इसलिए मैंने दोनों से आवेदन किया है कि समारोह में न आए। उसके बाद ये चर्चा का विषय बना था कि उसे क्यों कहा गया। लाल कृष्ण आडवाणी 96 साल के हैं और मुरली मनोहर जोशी 5 जनवरी को 90 साल के हो गए, यानी करीब दोनों 90 और 96 साल के। ऐसे में उनका स्वास्थ्य जरूर मायने रखता है। इस दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लेकर कांग्रेस के कई विभिन्न तरह के बयान आए हैं जो एक टिप्पणी का विषय बनाए, कमेंट किया कहीं, जो अपने आप में इसके बाद से कांग्रेस के गठबंधन में या पार्टियों में नेताओं के बीच अलग अलग विचारधारा के अलग अलग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर कांग्रेस के ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया था, उसमें ये लिखा गया कि उद्घाटन में न जाने का कारण बताया। उस लेटर में जो शेयर किया गया था उसमें ये लिखा गया था कि उद्घाटन वो क्यों नहीं जाएंगे, जिसमें लिखा था कि धर्म निजी मामला है,
लेकिन बीजेपी आरएसएस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को अपना इवेंट बना लिया। वहीं गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढ़वाड़िया ने कहा कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, कार्यक्रम में न जाने का फैसला सही नहीं है। वहीं कांग्रेस के अलावा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उन उत्सवों में विश्वास करती हूं जो सभी समुदायों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और एकता की बात करते हैं। भाजपा कार्यक्रम को अदालत के निर्देश पर कर रही है और नौटंकी के तौर पर यह कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है। टीएमसी प्रवक्ता भी इस मामले में बोले, उन्होंने कुणाल घोष ने इसके विपरीत कहा कि मुझे नहीं पता कि ममता को निमंत्रण आया या नहीं, लेकिन कार्यक्रम में उनके शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं। बातें टीएमसी पहले बयान टीएमसी ममता बनर्जी मुखर था और उसके बाद कुणाल घोष का ये बयान। आपको बता दूं उसके बाद सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने भी एक टिप्पणी आई है इसको लेकर। 26 दिसंबर 2023 को ही उन्होंने टिप्पणी दी थी कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद से जुड़ा मामला है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी और आरएसएस ने एक धार्मिक समारोह को सरकारी कार्यक्रम में बदल दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य सरकारी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का वो बीजेपी जो बीएसपी नेता आलोक कुमार कार्यक्रम को निमंत्रण देने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने भी कहा था अखिलेश यादव ने कि मैं अजनबी से ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आलोक कुमार को नहीं जानता। उधर सपा नेता डिंपल यादव ने कहा कि उन्हें निमंत्रण मिलेगा तो वह जरूर जाएंगे। यानी कि हर पार्टी में अलग अलग तरह के बयान दिख रहे हैं। आपको बता दूं रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण अभी तक शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को नहीं मिला। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वे अब नासिक के कालाराम मंदिर जाकर गोदावरी नदी के तट पर महाआरती में शामिल होंगे। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज खबरों में एक रिपोर्ट छपी है। आइए, उन्होंने पिछले साल सितंबर महीने में कहा था कि रामलला के कार्यक्रम में पूरे देश में भीड़ जुटी थी और ऐसे में एक बार फिर गोधरा जैसी घटना न हो। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी के पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अभी तक कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला, ऐसा खबरें हैं। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल को कुछ दिन पहले एक पत्र मिला था जिसमें बताया गया था कि 22 जनवरी को अपना कोई कार्यक्रम निर्धारित न करे। वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, इसमें धर्म को नुकसान पहुंच रहा है। विरोधी पार्टी ये कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की पार्टी, अपोजिट पार्टी जो सरकार है उसकी, रूलिंग पार्टी के अपोजिट जो पार्टी है उसके विभिन्न नेता के अलग अलग तरह के बयान आए हैं। ऐसे में कुछ उनके कांग्रेस के नेता की सकारात्मक यानी कि उसको अलग लेकर सकारात्मक बयान दिया कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़ाई उनका मुद्दा बीजेपी है न कि राम मंदिर। अब तो कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने पर भी नेता ने कई बयान दिए। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज जो कांग्रेस है वो नेहरू की कांग्रेस है, गांधी की नहीं। गांधी जी ने राम राज्य की बात कही, उनका प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा, उनकी समाधि पर लिखा है हे राम। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने से ये साफ कर दिया है कि वह नेहरू की कांग्रेस है। कांग्रेस का हिंदू धर्म को लेकर विरोध सामने आ गया है, यानी कि कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा नहीं शामिल होने पर ये बयान सामने आया, उनको टिप्पणी आई, प्रतिक्रिया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस का कोई नेता अयोध्या नहीं आया, उनका अयोध्या जाने का नैतिक अधिकार भी नहीं बनता, क्योंकि कांग्रेस ने ही अयोध्या मसले को कोर्ट में घसीटा। जी हाँ, ये सबसे पहले की बात बताई गई। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी कहा इसको लेकर टिप्पणी के बाद, जब विरोध हो रहे थे नहीं जाने की बातें आई, तब उन्होंने भी कहा कि मेरे और भगवान राम के बीच सीधा संबंध है, गांधी मंदिर जाने से राम के भक्त नहीं बने थे, भगवान राम उनके अंदर थे, इसलिए गांधी जी स्वर्ग गए और उनका अंतिम शब्द हे राम। इस कार्यक्रम के करीब वैसे इस कार्यक्रम में करीब 25 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 22 जनवरी को करीब 25 लाख लोग, बता दो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 6,000 दिग्गज शामिल होंगे, जिन्हें इन्विटेशन मिला है, आमंत्रण मिला है, जिनमें 4,000 संत और करीब 2,200 मेहमान हैं। इस दौरान 6 दर्जनों यानी प्राचीन विद्यालयों के शंकराचार्य और करीब
150 साधु संत भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम में करीब 25 लाख लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया। आगे बढ़ो, पीएम नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर 2023 को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया था। उसी दिन जब 25 अक्टूबर 2023 को वहां के कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को, जो ट्रस्ट जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के पदाधिकारी उनको दिया था, वो सब लोग भी शामिल हुए। इस भव्य कार्यक्रम, इस भव्य रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 7 दिन का चलेगा। 7 दिन तक ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। आपको बता दूं, एक करके वीडियो के अंत में, फिर उसके बाद इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा। बता दूं, अयोध्या के राम मंदिर ने, अयोध्या के राम मंदिर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम है। उसके अलावा और भी कार्यक्रम है जो एक 7 दिन की प्रक्रिया है, यानी कि 7 दिन का अलग अलग कार्यक्रम है। मंदिर के अधिकारियों के मुताबिक अभिषेक समारोह 16 जनवरी से शुरू होकर 7 दिनों तक चलेगा। 16 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से नियुक्त किए गए यजमान प्रायश्चित समारोह की शुरुआत करेंगे और सरयू नदी के तट पर दशावधि स्नान से विष्णु पूजा गायों को प्रसाद दिया जाएगा। 17 जनवरी को 5 साल के रामलला की मूर्ति के साथ एक काफिला अयोध्या पहुंचेगा और श्रद्धालु मंगल कलश से सरयू नदी का जल लेकर राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, भव्य कलश यात्रा होगी। 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजा, वरुण पूजा, मातृका पूजा, ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजा के साथ औपचारिक अनुष्ठान शुरू होंगे। 19 जनवरी को पवित्र अग्नि जलाई जाएगी, इसके बाद नवग्रह की स्थापना और हवन किया जाएगा। 20 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल से धोया जाएगा, सरयू जल के पवित्र जल से धोया जाएगा। इसके बाद वास्तु शांति और अन्नाधिवास अनुष्ठान होगा। 21 जनवरी को रामलला की मूर्ति को 125 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा और फिर 22 जनवरी को सुबह की पूजा के बाद दोपहर में मृक्षरा नक्षत्र में रामलला की मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा। ऐसे में अगर आप इस दौरान, या आपको निमंत्रण मिला है अयोध्या की नगरी में इस रामलला के राममयी भक्तिमय जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप 7 दिन पहले पहुंच सकते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के बाद से आप अयोध्या में पहुंच सकते हैं। आप बता दो, रामलला के दर्शन और इसकी मंदिर की खूबियों की इतनी खास है, इस मंदिर की इतनी खूबियां खास बताई जा रही है कि 1000 साल ये मंदिर सुरक्षित रहेगा। उनके बनाने वाले कंस्ट्रक्शंस का लोग जिनको मिला, वो दावा करते हैं कि 1000 साल तक इस मंदिर में कुछ नहीं होगा। राम मंदिर की नींव क्योंकि 15 मीटर गहरी है, 17,000 ग्रेनाइट पत्थर लग रहे हैं और ये कर्नाटक से आए, ये यहाँ के पत्थर ग्रेनाइट कर्नाटक के काफी मजबूत और सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। फाउंडेशन पूरी तरह से स्टोन से बना है, पूरा पत्थर से बना है और सारे पत्थर 2 टन के हैं, जिसके धसने या टूटने की संभावना नहीं के बराबर। मंदिर का 55% काम, आपको बता दूं, अभी तक कहा जाए तो 55% काम पूरा हो गया है, बाकी काम धीरे धीरे हो रहा है और बाकी शेष काम प्राण प्रतिष्ठा के बाद होता रहेगा। मंदिर में रामनवमी के दिन सूर्य किरण से भगवान राम का अभिषेक होगा। इस पर आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से ऐसा मंदिर को बनाया जाएगा, इस प्रकार से बनाया जाएगा कि रामनवमी के दिन सूर्य किरण से, खुद रामनवमी के दिन मंदिर में सूर्य किरण से प्रवेश होगा और भगवान राम का अभिषेक होगा। वैज्ञानिक इस प्रकार से अद्भुत दिव्य ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं कि सूर्य का किरण वहां पर पहुंचे। दोपहर के वक्त जब सूर्य सीधे दक्षिण में होगा, तब मिरर और लेंस से सूर्य किरण का रिफ्लेक्ट कराकर सीधे भगवान के ललाट पर ले जाने की योजना बनाएंगे, जो अपने आप में काफी भव्य रहेगा, अनोखा रहेगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मंदिर में किसी तरह के लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं हो रहा, यानी ये भी खतरा नहीं है कि आप आने वाले समय में, लंबे समय में उसमें जंग लग जाएगा या कुछ खराब हो जाएगा। मंदिर में एक भी लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब तो 6.5 रिक्टर स्केल भूकंप से भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचे। 6.5 रिक्टर स्केल की अगर भूकंप, तीव्र भूकंप आती है तो भी मंदिर का बाल बांका भी नहीं। इस प्रकार से ये मंदिर काफी खास, काफी दुर्गामी सोच से, काफी लंबे सालों के लिए, हजारों साल तक सुरक्षित रहने के लिए बनाई गई है। इसलिए वक्त लग रहा है और शायद लगे, लेकिन ऐसे में ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, इस बीच एक बड़ा माहौल बना है, एक बड़ा भव्य महल है इस महल में, जिसके कारण पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरा यूपी नहीं, पूरा देश ही राममयी हो गया। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।